सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। आई होप कि आप सभी ठीक हो। और आज मैं क्लास में मिल रहा हूँ आप सभी से क्योंकि आज जल्दी आ गया क्लास, इतने टाइम से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे हम लोग। और पीछे देखो ये कौन है, WTP से लाया हूँ भाई। ये हमने शूट का पूरा सेटअप कर लिया है, डांस वीडियोस बनाने अभी तो। ओहो, यहाँ मजा आ रहा है। करे रील वगैरह शूट कर लेते हैं। सो गाइस, मैं क्लास से घर तो आ गया हूँ जस्ट, और अब खाना खाऊंगा मस्त बैठ के, क्योंकि क्लास के आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा वाली भूख लगती है। और खाना खाते खाते एक ही काम है मुझे डेली का, खाना खाते खाते देखूँगा सौरभ भाई का ब्लॉग, सौरभ जोशी ब्लॉग्स, सब जानते होंगे आप लोग। इनका ब्लॉग देखते देखते खाना खाने का अलग ही मज़ा है। तो पहले खाना खा लेता हूँ। खाने में मस्त है सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी, आलू सोयाबीन। मम्मी आजकल वो डेली भैया के पास मतलब मिलने जाते ना हॉस्पिटल वगैरह, इसलिए पहले ही बना के चल जाते मेरे लिए। क्लास से आते ही खाना मिल जाता मुझे, पहले वरना वेट करना पड़ता था, और अब डेली मिल जाता है। तो खाना खा लेता हूँ मैं और ब्लॉग देखता देखता खाऊँगा। सो गाइज, मैं अभी आया हूँ युवराज के घर। युवराज बोले तो राज क्योंकि भाई को करानी थी कटिंग वगैरह, कटिंग ही कराएगा बस, कटिंग करानी है। तो हम जा रहे हैं अनुज भैया के, तो देखते हैं वो सैलून में मिलते हैं या नहीं मिलते। नहीं मिले तो कहीं और जाएंगे, और मिल गए तो फिर करवा लेंगे। इसी के घर पे आया हुआ हूँ, मस्त घुमाता हूँ यार मैं, फोन दे कैसे के तो बस हम निकल रहे हैं अब जस्ट। चाय बोल रहा हूँ, चलेंगे चाय वाय पिला रहा है। देखो कितनी गंदी सोच रहे हैं लोगों की हेलमेट वगैरह ले ले। आते वाईफाई कनेक्ट कर लिया पहले तो मैंने, कुछ हो या नहीं हो दूसरों के घर में वाईफाई होना जरूरी है। सो गाइस, हम लोगों ने कटिंग वगैरह तो करा लिया। मैं सोच के नहीं आया था कुछ कराने के, लेकिन हेयर वॉश तो जरूरी है, हेयर वॉश करा लिया मैंने। देखो ये भी थोड़ा संजीव भैया जैसा ही हो रहा है, बोले कैमरे के सामने आते तैयार हो जाते इधर आ कटिंग देखो भाई की, मस्त लग रहा ना। सही है यार, इधर तो कटिंग का नाम ही नहीं है, सिर्फ हेयर वॉश ही कराता हूँ हर बार आता हूँ तब। बस छोटी छोटी ट्रिमिंग हो जाती है, वो अलग बात है। बाकी अब जा रहे हैं हम लोग तेरे घर ही, चले चाय पीने, पहले चाय पियेंगे ठीक है। सो गाइस, हम लोगों ने चाय वगैरह सब पी लिए, और चाय पी के अब भाई के घर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे को वीडियो एडिट करना है बैठ के, और शाम को इवेंट में भी जाना है। डांस वगैरह का इवेंट कराया था हमने, तो उस इवेंट में जाना है। इसको पता नहीं बाइक का शौक क्यों, आराम से ला ले यार, नया नया शौक होता है ना वो बच्चों वाला। शुरू पे चल रही है सुई खराब ये का कुत्ता मर गया क्या, सामने ही मरा हुआ है। गेट किसने खोल दिया अंदर से, कौन आ गया, कोई आ गया तुम्हारे भाई है? नंबर और बता रहा है, ऐसे बोला नंबर और बता दिया। एक तो तुम्हारे घर को फेमस कर दिया कि बोला युवराज का घर है, फैंस आएंगे तेरे यहाँ पे ही बोले सर सर आपका घर है ना सो गाइस, तुम्हारा भाई टीवी पे आ गया है, देख लो मेरा सपना पूरा हो रहा धीरे धीरे।
हे एलेक्सा कनेक्ट हो रहा है। बंदूक बाज, बंदूक ऐसे गोली बाज। इसको तो रख दो यहाँ पे, महंगी चीजें यही रहनी चाहिए। इधर से फ्रंट कैसा दिखता है इसका? प्यारा है यार, फोटो शूट तो प्यारा होगा करेंगे। सो गाइज, मैं घर से सीधा रेडी होके इवेंट में आ गया हूँ, और जल्दी इसलिए आया हूँ क्योंकि अभी पूरा सेटअप वगैरह हमें ही कराना है। ये आ रहे हैं, ये तो है नहीं सूरज जी, पागल है क्या? कौन ला रहा है? कौन ला रहा है? इस भाई का 13 Pro Max आ रहा है, देख लो। कॉम्पिटिटर मिल रहे मुझे हर जगह। इसका 13 Pro Max आ गया, हमारे पास आईफोन ही नहीं है। आई 13 Pro Max से वीडियो बनाते हैं ये भी? है ही नहीं भाई, इसी से व्लॉग पढ़ते हैं इनके सारे। व्लॉग पता है कैसे पढ़ रहे? तुम्हें पता, तुम्हें पता भी नहीं होगा मेरा व्लॉग कैसे आ रहा है। कमेंट में बताना जिसको पता है मेरे व्लॉग किस चीज़ से आ रहा है, मतलब कौन सा मॉडल का फ़ोन है मेरे पास। 13 Pro Max। तू कौन है? कौन है भैया? ये झूठ बोल रहा है, ऐसे ही फेंकता फिर सर। बाकी देखो, आज तो इतने प्यारे प्यारे शॉर्ट्स लूँगा ना शादी के, लगता तो मैं वैसे ही स्मार्ट फोन मेरे। सर थोड़ा सा दुविधा में खेत ताव पाछे हट जाओ, वो लगा दो फरमाइश आई है स्पेशल। Thank you.
सो गाइज हम लोगों का डांस वगैरह सब कंप्लीट हो गया है और इवेंट भी कंप्लीट हो चुका है, बस खाना बाकी रहा है अभी तक। तो खाना खा के हम लोग बस निकल रहे हैं यहाँ से, तो घर चल के मिलता हूँ आप सभी से। सो गाइज मैं इवेंट से घर तो पहुँच गया हूँ और काफ़ी लेट हो गया हूँ आज भी, और सब सो गए, मम्मी पापा सब सो गए, इसलिए धीरे बोल रहा हूँ। बाकी कैसा लगा आप लोगों को ये वाला व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना मत भूलना। बाय।